गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में करनाल की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सपना जैन को कोविड-19 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में की गई बेहतरीन कार्य प्रणाली को लेकर मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री बनवारी लाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में शिक्षा प्रणाली चरमरा सी गई थी, परंतु हरियाणा के करनाल में ई लर्निंग के माध्यम से सरकारी स्कूलों के बच्चों को घर बैठे ही शिक्षा मुहैया करवाई गई, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया था, जिसके माध्यम से बच्चों को घर पर व्हाट्सएप पर दिन भर की सभी विषयों का कार्य दिया जाता था और उसी के माध्यम से वह कार्य स्कूलों में अध्यापक अध्यापिका द्वारा चेक भी किया जाता था, जिसके चलते घर पर ही सरकारी स्कूलों के बच्चे इन लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग की ओर से सपना जैन के इस बेहतरीन कार्य को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने के लिए उनका नाम भेजा गया था और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में सपना जैन को शिक्षा के क्षेत्र में की गई कोविड-19 के दौरान बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। सपना जैन ने सम्मानित होने के बाद समाचार एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से जो शिक्षा मुहैया करवाई गई थी वह बेहद सफल रही, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों से आते हैं और उनको ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा दिलाना बेहद चैलेंजिंग कार्य था, परंतु जिला शिक्षा विभाग द्वारा टीवी के माध्यम से भी घर घर पर कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा का कार्य पहुंचाया गया। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान सभी स्कूल बंद पड़े थे और शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाना एक चैलेंजिंग कार्य था, परंतु करनाल जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस चैलेंजिंग कार्य को आसान करते हुए बच्चों को घर पर शिक्षा दिलाना संभव किया गया। इस प्रयास से प्रसन्न होकर जिला उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सपना जैन का नाम गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने के लिए शिक्षा विभाग को भेजा गया। सपना जैन ने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सके, ताकि उनको भी प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के समान समाज की मुख्यधारा से जोड़कर आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के अलावा पूरे जिले कोविड के दौरान स्कूल तो नहीं लगे, लेकिन सरकार की तरफ से ई लर्निंग का एक प्रोग्राम और घर से पढ़ाओ का प्रोग्राम चलाया गया। तो घर से पढ़ाओ में जो टीचर्स थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था और जितने भी केबल से जो प्रोग्राम थे वो प्रसारित हो रहे थे, एक DTH से जो है प्रोग्राम प्रसारित हो रहे थे जो सिलेबस के हिसाब से थे, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमने स्कूल टीचर्स के और बच्चों के ग्रुप बनाए हुए थे और जिनके माध्यम से वो रोज़ सुबह टाइम टेबल जाता था हर बच्चे के पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी कि आज किस चीज़ की पढ़ाई होगी और किस सब्जेक्ट की होगी और कितने बजे से कितने बजे होगी, तो वो बच्चे उस हिसाब से अपना प्रोग्राम देखते थे और स्कूल जो टीचर है वो अपने बच्चों को ग्रुप के माध्यम से बताते थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो लेते थे और जो वो काम सीखते थे उनकी जो कॉपी थी होमवर्क था वो भी वो व्हाट्सएप पे मंगवाते थे और उनको चेक करते थे और बीच बीच में कुछ जो गांव में टीचर्स थे वो जाकर एक जगह पर घर से घर तक घर पे जाकर बच्चों की कॉपीज चेक करते थे और उनके होमवर्क को चेक किया जाता था। तो इसके अंदर कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हुई और वो रेगुलर चलती रही, जो अभी तक वो पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन मैम कुछ ऑफलाइन से कुछ टफ था कुछ अलग? नहीं, ऑनलाइन वही सिलेबस था, जो सिलेबस हमारा है वही सिलेबस था, उसी के तैयार लेसन थे जो हमें DTH से और व्हाट्सएप से यूट्यूब पर और वीडियोस जो हैं वो टीचर्स के पास शेयर होती थी और वो टीचर्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे बच्चों को शेयर करते थे, वही सिलेबस था जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो अपने घर में अपनी वीडियो प्रिपेयर करते थे अपने अपने चैप्टर्स की, अपने अपने लेसन की जो उस दिन प्रसारित होना था और वो वीडियो बच्चों के साथ शेयर करते। मंत्री जी ने सम्मानित किया, कैसा महसूस कर रहे जी? सम्मानित तो सबको बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि मेरे इस एफर्ट को जो मैंने अपने फील्ड में किया मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्नॉलेज किया और इसके लिए मुझे सम्मानित किया। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने DO ऑफिस का जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया, DO साहब का, राजपाल चौधरी जी का, उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। थैंक यू मैम।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन और JBD